देखिए, हम हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है बाटी और चोखा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अमेरिका बाटी और चोखा, जो कि ये इसको बाटी का लो और चोखा इसके अंदर भरा हुआ। मैं आपको चोखा दिखा देता हूँ। हाँ, अब इसमें मुझे चोखा दिखाना है ना। चोखा हमारे यहाँ हर आइतवार को घर सफाई करने का जिम्मेदारी सबको दिया जाता है, ठीक है। देखो, अन्या दीदी का काम है हमारे घर में टेबल साफ कर रही है, घर की सफाई कर रही है, ठीक है। अन्या, हाथ लगाओ, झाड़ू मारो, कटका मारो, हाथ लगाओ जरा। देखो, ये जो है झाड़ू पोछा लेके इधर कटका मार रही है। और आपको वीडियो बनाने का जो मेरा मेन तात्पर्य था कि ताकि अन्या को ये ना लगे कि घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है अर्नव की सर्जरी के होने की वजह से। और अर्नव देखो भी काम कर रहा है बेचारा, ये देखो। ओह माय गॉड, इसको इसके अंदर ड्रॉप कर दे, देख रहे हो। इसको जिम्मेदारी ये दिया गया है सीढ़ी पे, क्योंकि ये सीढ़ी पे इजीली आ जा सकता है। देखो, ओ मैन, गुड जॉब स्पेशली द कॉर्नर्स, ओके, या वो मामी ने कर दिया था। और उसके साथ में एक सहायक होते हैं, जैसे जेल में जो है कैदियों को काम कराने के लिए, 10 कैदियों को काम कराने के लिए 20 पुलिस साथ में खड़ी रहती है, अपना टाइम ही वेस्ट करती रहती है। उसी प्रकार से अर्नव भैया जब तक यहाँ काम करेगा, एक अटेंडेंट का यहाँ रहा खड़ा होना जरूरी है। और देखो, मामी का क्या काम है आज का, बर्तन साफ करना, जो कि यहाँ पे कर चुकी है। आलिया हो गया तेरा। और जो मेरा काम है घर को गंदा करना, यानी घर पे खाना बनाओ, बच्चों को खाना खिलाओ, उनको बाथरूम कराओ, ब्रश कराओ। हे, आज संडे है, काम करते रहो, कोई सब लोग काम करते हुए दिखना चाहिए। तो अभी अर्नव का तो थोड़ा सा सर्जरी हुआ है, इसलिए वजह से हम थोड़ा रुक गए, नहीं तो हर संडे या सैटरडे को मैं बच्चों को बर्तन साफ करवाता हूँ बढ़िया से। पूरा बर्तन नहीं, लेकिन कम से कम वो वाले बर्तन जो वो खुद यूज़ करते हैं, ठीक है। और बच्चों को और क्या काम कराता हूँ, कभी कभी मैं रोटी वोटी बनवाने में भी हाथ हेल्प लेता हूँ, लेकिन जब से सर्जरी हुआ तब से अन्या का भी बंद है, अर्नव का भी बंद है, सब कुछ बंद चल रहा है, ठीक है। तो मैं बच्चों को इसलिए भी काम कराता रहता हूँ ताकि उनको भी पता चले दुनिया में सब कुछ, टीवी रिमोट के बाहर भी कुछ दुनिया है ना गुड़िया। हाँ, अब मेरे वीडियो में ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, अर्नव को क्या हुआ, अर्नव को क्या हुआ, हुआ क्या है, हुआ क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दो लाइन में बता दूँ कि एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं परथीस डिजीज, ठीक है, परथीस। उसके पहले हमने नाम भी नहीं सुने थे। तो होता क्या है कि परथीस डिजीज में जो आपकी जो है पैर की हड्डी होती है बड़ी वाली फीमर, और यहाँ पे जो पेल्विस बोन होते हैं उसमें जो गड्ढे होते हैं जहाँ पे वो सॉकेट में फिट होता है फीमर का हड्डी गोले में, वो हड्डी जो सॉकेट में जो बॉल के अंदर होना चाहिए हड्डी, वो थोड़ा सा बाहर था, अंदर नहीं था, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, बच्चे थोड़ा भचक के चलते हैं या लंगड़ा के चलते हैं, तो इसको बोलते हैं परथीस डिजीज। परथीस डिजीज की एक खास बात है कि ये सिर्फ लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता है, बहुत कम चांसेस हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है किसी को कुछ पता नहीं है। और दूसरा कारण है कि अब होता ही क्यों है, और इसका कोई साइंटिफिक अभी तक प्रूवमेंट नहीं मिल पाया है कि होता ही क्यों है ये, लेकिन बस हो जाता है। लगभग 10,000 बच्चों में 4 या 1 लाख बच्चों में 4 बच्चों में ऐसा हो जाता है। तो बहुत ही रेयर डिजीज है, इसको बोलते हैं परथीस डिजीज। अगर यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा परथीस डिजीज के बारे में। अगर आपका बच्चा भचक के चल रहा है, थोड़ा बहुत से लंप करके चल रहा है, तो अगर आपने इलाज नहीं कराया तो आगे चल के जब बड़ा बच्चा होगा तो होगा पूरा हिप जो है रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। हिप रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो सॉकेट के अंदर जो बाल फिट होता है वो बाल जो है ख़राब हो जाता है पूरी तरीके से, तो हड्डी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो जो है इन्फ्लेमेशन डेवलप कर करके कई सालों में वो हड्डी का पोर्शन ही ख़त्म हो जाता है, तो और ज़्यादा लंगड़ा के चलते हैं। तो उसमें क्या होते हैं डॉक्टर, मेटल का बॉल बना करके और सॉकेट में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं हिप रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि पूरा हिप ही बदल देते हैं, सिर्फ सॉकेट के अंदर जो बॉल होता है वही बॉल ही बदल देते हैं, अगर आपने सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो। और सरप्राइज़ की बात यह है कि जब भी किसी को परथीस डिजीज होता है ज़्यादा दर्द भी नहीं करता, बहुत थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो इसलिए पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं या फिर बच्चा भी बताता भी नहीं है, है ना। तो पेरेंट्स को लगता है कि अरे गिर गया होगा कहीं, या फिर खेलते हुए गिर गया होगा कहीं, किसी ने मार दिया होगा वगैरह वगैरह, तो इग्नोर कर देते हैं। अगर आप जब इग्नोर कर दिया ज़्यादा, तो वो हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो
तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपका बच्चा लंगड़ा के चल रहा है तो आप उसको एक्सरे करा लें, एक्सरे में सब कुछ आसानी से दिख जाता है, ठीक है। तो इसके इलाज के देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अर्णो तो ओपन पैर ओपन करना पड़ी, ओपन करो या इसको पैर को इस तरह से ओपन करके, जब ओपन इस तरह से करते हो ना तो ये पैर जो है आपके सॉकेट के अंदर रहता है, जब पैर को क्लोज करते हो तो सॉकेट के बाहर आ जाता है। मतलब बीमारी किसी को हुई रहती है उसकी भी बात बता रहा हूँ। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको पैर को ओपन करके ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक राड बांध देते हैं, राड फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, 4 महीने के, 1-1 साल के लिए राड बांध देते हैं। That's a very, very long time. तो राड बांध के रखेंगे, आपने देखा होगा बहुत से बच्चों में पैर फैला के और व्हील चेयर पर बैठ के स्कूल आते जाते हैं, फिल्मों में भी देखा होगा। तो पैर फैला के सॉकेट में इस तरह से राड में बांध के रखना बच्चों को, मतलब एक तरह से बहुत ही टॉर्चर है, टॉर्चर वाला काम है, ठीक है। छोटे बच्चों में जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनमें आप लगा दो चलेगा, क्योंकि मम्मी पापा लगभग हमेशा साथ में रहते हैं तो उनका चल सकता है ऐसे तैसे करके। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, खेल कूद रहे हैं, सॉकर कर रहा है भैया, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, उसको जो इस तरह से बांध के घर में रखोगे तो वो जो है मेंटली जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसको। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी में क्या होता है कि जो यहाँ पे हड्डी होती है जो सॉकेट में फिट होता है इस साइड, तो हड्डी को पूरा मतलब काटते हैं, ठीक है, काट के उसको रोटेट करके और उसके सॉकेट के अंदर फिट करके फिर वहाँ पे एक राड लगा देते हैं, ठीक है। और राड लगाने के बाद और ये राड जो है सर, अभी अर्णो के लेग में भी राड अभी भी है अंदर, और राड रहेगा कम से कम 1.5-2 साल तक, ठीक है। तो इसलिए इसकी सर्जरी हुई थी। ये मैं बेड लो इसलिए बना रहा हूँ, आप सब पूछ रहे थे कि अर्णो को क्या हुआ, अर्णो को क्या हुआ, तो इसके पहले इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अर्णो को पर्थीज डिजीज हुआ था। तो ये जो है अपना पैर ज़मीन में तब तक नहीं रखेगा, कहने के तात्पर्य कि जब तक वो पैर पे खड़ा नहीं होगा, जब तक कि डॉक्टर ग्रीन सिग्नल ना दे और ये बता दे कि यहाँ आप सही है, पैर पर वजन दे सकते हैं, उसके बाद जो है अर्णो धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। और देखिए वीडियो बनाते बनाते अर्णो भैया ने पूरा घर का सीढ़ी साफ कर दिया। अर्णो अभी ऊपर वाला सीढ़ी करना है अब तुमको, ठीक है, चलो मैं लेके आता हूँ इसको, देखो जा अर्णो, देखो कितना कूड़ा तुमने निकाला सीढ़ी पर से। अब भैया ऊपर वाला सीढ़ी करने जा रहा है, जो भैया ये कर रहा है इसमें जो है सर्जरी के पहले भी डॉक्टर ने काफ़ी ट्रेनिंग दिया था कि सर्जरी के बाद तुम्हें कैसे सीढ़ी को यूज़ करना है। तो जो है जिस दिन सर्जरी हुआ था उसके दिन से ही वो जो है तो जब है ना, और हम सब इससे थोड़ा सा मेहनत कराते भी रहते हैं ताकि थोड़ा सा शरीर में जो है ऑक्सीजन आता जाता रहे तो जल्दी रिकवरी होगा। तो हम सब नहीं चाहते घर पे बैठा रहे, इसलिए हमको बाहर भी घुमाते रहते हैं, कितना भी बोलता रहे नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन हम कोशिश करते हैं बाहर चलो, व्हील चेयर पे ही बैठ के चलो, लेकिन चलो यहाँ से। तो जा बनो अन्या, हेलो, सीढ़ी इधर है, हेलो, एक और सीढ़ी है हमारे पास, हाँ आराम है। देखिए हमारी सीढ़ी नंबर 2 है, अब भैया यहाँ जा रहा सीढ़ी करने, ये ले अन्या, यहाँ खड़ी हो अंकेश दोबाल। देखो यहाँ पे, देखिए हमारे घर में यहाँ पे लाइन बना हुआ है, कितने साल में कितना हाइट, ओ माय गॉड 2 इंच तुम्हारी हाइट बढ़ गई गुड़ी अन्या, ओ माय गॉड, जाओ पेंसिल लेके आओ, ओ माय गॉड। देखो अन्या की लंबाई इतनी हो गई है, अभी देखो 12/6/2023, अभी सब 4 महीना पहले इतनी बड़ी थी, आज इतनी बड़ी होगी अन्या, तो इतना तेजी से बढ़ रही तुम। जरा डेड लिखना आज का, छोटा सा लिखना, नहीं तो मामी जो है पहले जो अन्य को जाने दे, लिख देने आज का डेट अन्य, तुम खड़े हो अभी तो तुम पता नहीं स्टेट खड़े हो पाओगे भी कि नहीं, लेकिन जस्ट स्टेट आनो, स्टेट टमी इन, ओके
नो no, उसका नाम नहीं लिखा था ना, डेट लिखना जरा, अर्नो लिखो, छोटा छोटा लिखो ना, मम्मी कूटेगी, दीवार खराब कर रही। 4/24 ओके। तो जानकारी के लिए बता दूंगा, अमेरिका में जो है ना मंथ पहले लिखते हैं, तारीख बाद में लिखते हैं, फिर ईयर तो जैसे शाम। ये किसका है ये? इस माइक मेरे टमी है क्या ये? Daddy, let's check your real height. Okay. Okay, mine. Oh, dang. That's tall. Wrong end. Okay, Dad, get out. Dang, that's tall. Okay. That's very tall. Dad, you're super tall. I think ye mera hai. Ye gudiya ka hai. Daddy, you have to wait for 12 more years. I'm on my tippy toes. So far. So this much taller than me. That's a lot. Oh my god. I mean, you have to wait for like 32 years on my tip. चलो काम करो, काम करो। अन्य तुम जाके अपना काम करो जो तुमको दिया गया है। मामी come on. No. चलो मामी बिजी है सफाई में। गुड जॉब। काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। राजू राधा रो दो बच्चे हम, राजू और राधा दो बच्चे हम, हंसते गाते पढ़ने जाएं। ऑन नाउ, क्लोज मत कर देना मामी, ठीक है? पानी के बोतल चाहिए। ओहो जैकेट ले लेना बढ़िया, सबको ठंड लगेगा। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल। आज के वीडियो में आपको लेके जा रहे हैं इस जंगल में, जंगल बात चली है पता चला है, और चट्टी बन के फूल खिला है, ठीक है। ये है हमारे घर के बगल में एक जंगल है, इसी जंगल में हम सब घूमने जा रहे हैं।